योग को मशहूर करने में, नई ऊंचाई देने में अहम रोल निभाने वाले बाबा रामदेव आप उन्हें स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है बाबा रामदेव आपका, जी न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला है। बहुत प्रणाम आपको अदिति जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। अब मेरा पहला सवाल जी बोलिए। जो बजट है, जैसे आपने भी कहा, भारत को आत्मनिर्भर बोलिए बोलिए आत्मनिर्भर आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। आत्मनिर्भर बजट एक बुनियादी ढांचा विकसित करने में और आने और आने वाले 10-15 सालों की एक सुदृढ़ भारत की नींव डालने की दिशा में एक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे हो देश की, लोग देश को ऐसे एक बजट की जरूरत थी जिससे कि एक दीर्घकालिक आधारशिला तैयार की जा सके आत्मनिर्भर भारत की। तो अमेरिका का, चाइना का, जापान का, कोरिया का, यूरोप का, दुनिया के विकसित देशों का मुकाबला कर सके, उसके लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, और उसके दोनों मंत्री भी हमारे बड़े धाकड़ हैं, चाहे वो नितिन गडकरी जी हैं, पीयूष गोयल जी हैं। अब दो इस देश की धुरी है विकास की, एक तरफ नितिन जी, एक तरफ पीयूष जी, और सबको दिशा देने वाले मोदी जी हैं साथ में। तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो एग्रीकल्चर का है, चाहे वो औद्योगिक का है, चाहे वो हेल्थ एजुकेशन का है, सब दिशाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार का सबसे बड़ा फोकस। गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए जो सरकार ने एक एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ साथ में मंडियों के आधुनिकीकरण से लेकर के और MSP को 1.5 गुना करने से लेकर के किसान की आय जो है वो दुगनी हो, उसके लिए किसानों को भी कदम उठाने पड़ेंगे कि उनको ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के साथ में पशुपालन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो फलदार वृक्ष हैं, फर्नीचर वाले पेड़ हैं, उनको लगाना पड़ेगा, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली 1.5 से 2 गुने दाम उनको मिलेंगे। जो आयात हम विदेश होते, चाहे चना है, चाहे अलग अलग कुछ और दूसरी दाने हैं, या खास करके पाम ऑयल से लेकर के दूसरी चीज़ों पर टैक्स बढ़ा करके देश में उसकी कैसे उसका उत्पादन हो, उसके लिए भी सरकार के ने नीति तैयार की है। बहुत जल्दी मुझे विश्वास है कि उसका भी सरकार एक रोड मैप देश के सामने रखेगी। ऑयल पाम मिशन से लेकर के मस्टर्ड से लेकर के तिल और नारियल से लेकर के तमाम मूंगफली से लेकर के तमाम देशी तेल होंगे। तो सरकार ने जो बजट पेश किया है, मैं आशान्वित हूँ। और हेल्थ के ऊपर 135% ग्रोथ के साथ 232,000 करोड़ का बजट, ये अपने आप में एक हिस्ट्री है। तो मोदी जी मैंने सब दिशाओं से देश को उन्नत बनाने के लिए प्रतिबद्ध संकल्पित दिखते इस बजट में। थोड़ा इसमें जो है जो डीजल पेट्रोल के थोड़े दाम बढ़े हैं, जरूर उससे आम आदमी को थोड़ा सा देश के लिए अपने जेब से पैसा निकालना पड़ेगा, तो देश के लोग उदार हैं, निकाल लेंगे। और आने वाले वक्त में एडिबल ऑयल से लेकर के ऑयल, डीजल, गैस, पेट्रोल, मिनरल्स और तमाम जो इस देश में यद्यपि सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा करके वो काम किया है, देश में मोबाइल से लेकर ऑटोमोबाइल से लेकर के सभी दिशाओं में प्रोडक्शन बढ़े, एक सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बने देश का, इसके लिए आम लोगों को भी अपनी तिजोरियां खोलनी पड़ेंगी। जितनी भी कंपनियों के पास सरप्लस बजट है, वो सारे विदेशी कंपनियों के उत्पाद अपने देश में बने, उनके लिए एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा सब लोगों को। मेरे हिस्से की जिम्मेदारी मैं लेने के लिए प्रतिबद्ध हूँ अदिति जी। जी बाबा रामदेव, आपने अभी इंपोर्ट ड्यूटी का जिक्र किया, जो इंपोर्टेड गुड्स हैं उन पर जिस तरह से ड्यूटी बढ़ाई गई है, सरकार का मंत्रा साफ है, बी इंडियन बाय इंडियन। पतंजलि को फायदा होगा, पतंजलि जैसी दूसरी कंपनीज को भी फायदा होगा, दूसरे समूहों को भी फायदा होगा। एक उद्यमी के तौर पर आपकी राय? जरूर अदिति जी, देखो जी न्यूज ने तो आत्मनिर्भर भारत की, स्वदेशी की जितनी बड़ी मुहिम चलाई है, मैं पहले भी एक दिन चैनल पर बोला था जी न्यूज पर, ये बहुत बड़ी सोच है और मैं इसका अभिनंदन करता हूँ। और मोदी जी ने जो सोच रखी है, देखो 10-20 साल लगेंगे, लेकिन 2035-40 तक
भारत वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी तभी बनेगा जब हम सभी दिशाओं से एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन, सब ऑटोमोबाइल, मोबाइल, सभी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जितनी भी प्रोडक्शन, उन सब में हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, सुरक्षा से लेकर के और FMCG तक। तो ये एक बड़ा प्रशंसनीय कदम है और फायदा अपने देश की कंपनियों के क्यों नहीं होना चाहिए। ईस्ट इंडिया से लेकर के बाकी तमाम तरह की आज तक की जो विदेशी कंपनियां, उन्होंने देश को दिया क्या? करीब 1,000,00,000 करोड़ पर लूटा है। और कोरोना काल में जब देने के बारे ये तब किसी भी MNC ने क्या किया था? हमने तो अपनी जेब से करीब 30 करोड़ रुपये अपना डोनेशन दिया और तमाम तरह के अपने रिसोर्सेज लगाए। तो मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूँ कि पतंजलि हो या दूसरी इंडियन कंपनी हो, भारत को फायदा होना चाहिए। देश का पैसा देश में रहना चाहिए, विदेश में नहीं रहना चाहिए। हमारा तो सीधा तो यहीं किसी न किसी काम में लगेगा ना। और मैं, हम तो फक्कड़ आदमी है, जो भी पुरुषार्थ करके अर्थ अर्जित कर रहे हैं सब परमार्थ के लिए समर्पित कर रहे हैं। हमारा सारा योग और उद्योग वो नेशन बिल्डिंग के लिए, और कोई दूसरा सपना ही नहीं है अदिति जी। जी बाबा रामदेव, आपने अपने पहले ही जवाब में बहुत डिटेल में आप गए कि क्या कुछ सरकार द्वारा ऐलान किए गए एक्सपेंडिचर के लिहाज से भी आपने बात की, एक उद्यमी के तौर पर भी आपने बात की। मिडिल क्लास ये सवाल पूछ रही है, बाबा रामदेव हमसे दिक्कत क्या है, हमें कुछ क्यों नहीं मिला? देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हम कब तक भिखमंगे बने रहेंगे, कब तक ऐसे हाथ रहेंगे? ऐसे हाथ होने चाहिए। भिखारियों को दुनिया में कुछ नहीं मिलता, उसके लिए अधिकारियों को मिलता है। अपने भीतर पात्रता पैदा करें। और देश के लिए जब देने की बात आती है तो क्यों ना दे हम टैक्स, क्यों ना हम अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें। टैक्स देने की बात नहीं, माने हम देश में जो है जब कुछ करेंगे तो टैक्स भी सरकार को दे देंगे, कुछ अपने हिस्से में भी पाएंगे, कुछ देश के निर्माण में भी लगाएंगे। तो मुझे क्या मिला इसकी परवाह मुझे लगता है मुझे नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। मैं तो कभी नहीं कहूंगा कि सरकार को जो है इनकम टैक्स में, कॉर्पोरेट टैक्स में छूट देनी चाहिए, यहाँ छूट देनी चाहिए, वहाँ छूट देनी चाहिए। ठीक है, इस कोरोना काल में बहुत संकट थे, बड़ी चुनौतियों के बीच से देश गुजरा, इनकम कम हुई, खर्चे जो है ज़्यादा बढ़ गए, तब भी सरकार ने किसी भी तरह का कोई इनकम टैक्स में, कॉर्पोरेट टैक्स में इजाफा नहीं किया, किसी तरह का किसी पर बोझ नहीं बढ़ाया, एक्सेप्शन के तौर पर पेट्रोल डीजल को छोड़ करके। तो सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए। हाँ, और भी करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो कुछ सरकार ने किया है वो प्रशंसा के योग्य है दीदी। लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार फीडबैक मिल रहा है और हम अपने दर्शकों को ये कहना भी चाहते हैं, अगर आपकी भी प्रतिक्रिया है, कमेंट है, #BudgetOnZee का इस्तेमाल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। कह रहे हैं कि अगर सरकार के पास पैसे नहीं थे, मिडिल क्लास कह रही है कि बीच में भी जो 5 ऐलान हुए उनमें मिडिल क्लास के लिए कोई ऐलान नहीं था, सरकार के पास पैसे नहीं थे तो कोरोना काल की मार तो हम पर भी पड़ी, पैसे तो हमारे पास भी नहीं है, ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, संकट के काल में, आपदाओं में भी हमें घबराना नहीं चाहिए। ये सच बात है कि मध्यम वर्ग के ऊपर भी बहुत जोर पड़ा, और ख़ास करके जो होटल इंडस्ट्री है और बाकी जो ऐसी इंडस्ट्रियां, जो फिल्म इंडस्ट्री है, टीवी चैनल्स है, न्यूज़ चैनलों को छोड़कर के बाकी चैनलों जो GEC है उसके ऊपर तो बहुत बड़ा संकट था। तो संकट के समय में हमें हौसला रखना चाहिए, और देश से बड़ा तो कुछ नहीं होता है। तो सब लोगों को ऐसे भीख नहीं मांगनी चाहिए। तो ठीक है, हमने कुछ संकट के दिन भी देखे, तो आपदा में भी अवसर हम खोज लेंगे। पुरुषार्थ करने वालों को कभी भी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रहती है। तो मैं सभी से कहूँगा कि जिन लोगों के लिए कोई खास ऐलान नहीं हुए हैं उनके लिए भी सरकार फ्यूचर में ज़रूर सोचेगी, क्योंकि ये सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ, मोदी जी जिसका कोई अपना कुछ एजेंडा नहीं है, एक फकीर आदमी है, उसकी आंखों में सपना है एक स्वर्णिम भारत का जी। एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर भारत कैसे बने, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से लेकर के, वो तो अमेरिका और पूरे यूरोप से, पूरे चाइना से और जापान से भी बड़ी अर्थव्यवस्था, अभी भी चौथी अर्थव्यवस्था तो बनी हुई है, पहले दर्जे की अर्थव्यवस्था कैसे बने, उसके लिए प्रयास रहते हैं, पुरुषार्थ रहते हैं। तो मुझे लगता है जिन लोगों को कुछ अभी विशेष नहीं मिल पाए उनके लिए भी कुछ आने वाले समय में सरकार जरूर ऐलान करेगी, मैं इसके लिए आश्वस्त हूँ अदिति जी।
जी आप आश्वस्त हैं बाबा रामदेव। एक और बड़ी बात, आपने खुद स्वास्थ्य पर ऐतिहासिक खर्च का जिक्र किया, आपको लगता है इससे आयुर्वेद का भी बोलबाला बढ़ेगा, इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा? आपका फोन कट गया अतिथि जी, लेकिन वो ऐतिहासिक खर्च का जिक्र मैंने इसीलिए किया कि आजादी के बाद भारत के किसी भी बजट में सबसे बड़ा इजाफा, 137% का इजाफा, 2,32,000 करोड़ का कितना बड़ा बजट होता है। और इसमें जो है जल जीवन मिशन, इनको इसको साथ में इंक्लूड कर दिया जाए तो ये इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। इसको रेखांकित किया जाना चाहिए कि मोदी जी के लिए देश का स्वास्थ्य सबसे पहले, हम स्वस्थ होंगे फिजिकली मेंटली तो बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर लेंगे, जब जिंदगी नहीं है तो फिर हम बाकी तमाम तरह के प्रगति के सोपान कैसे चढ़ पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, इसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है अदिति। बाबा रामदेव अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपका फोन यद्यपि कटा है लेकिन चलिए हम इसको, ये जो ऑडियो ग्लिच है इसको हम फिक्स कराएंगे। लेकिन सरकार का मैसेज साफ है, बी इंडियन बाय इंडियन, बहुत से ऐसे फैसले हैं सरकार। अच्छा मुझे बताया गया, एक बार फिर से उन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। बाबा रामदेव मेरा सवाल आयुर्वेद से जुड़ा हुआ था, सरकार आयुर्वेद को बहुत प्रमोट कर रही है, स्वास्थ्य पर जो ऐतिहासिक खर्च है उसके साथ जोड़कर मैं आयुर्वेद के बढ़ते प्रभाव के बारे में आपसे पूछ रही थी। देखिए अदिति जी, पूरी दुनिया में ये तो करीब 100,00,000 करोड़ रुपए का हेल्थ का पूरा एक बाजार है, और उसमें यदि भारत नीम से लेकर के गिलोय, तुलसी, एलोवेरा से लेकर के हमारे पास में हजारों नहीं लाखों प्रकार की जड़ी बूटियों का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है, क्योंकि भारत में जितनी ऋतियाँ होती हैं और अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। और बड़ी बात है, हम प्रिवेंशन की नहीं, हम क्योर की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल हेल्थ की बात कर रहे हैं। और इसमें अब पूरी दुनिया वापस नेचुरल मेडिसिन की तरफ, नेचुरल फूड की तरफ मुड़ रही है, 70% पूरी दुनिया के लोगों का रुझान है, मूड इस तरफ है, ये बड़ी बात है। तो इसमें भारत की बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है, और पूरी दुनिया में भारत एलोपैथी का विकल्प प्रस्तुत कर सकता है, वो ताकत है, और हमने करके भी दिखाया। सरकारी स्तर पर भी इस पर प्रयास करें होंगे, लोग भी प्रयास करेंगे, और योग का जैसे पूरी दुनिया में परचम फहरा है, ऐसे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर आयुर्वेद को भी मान्यता मिलेगी, नेचुरोपैथ को भी मिलेगी, पूरी दुनिया में हम योगाचारी भी एक्सपोर्ट करेंगे, योग विद्या को भी हम फैलाएंगे, तो दुनिया को स्वास्थ्य मिलेगा, भारत को उससे समृद्धि मिलेगी। मैं इसमें पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, और इस दिशा में बड़े कदम भारत के कुछ लोगों को उठाने पड़ेंगे, सरकार के स्तर पर जो प्रयास करना है आयुष मंत्रालय आदि की तरफ से तो वो हो ही रहा है, बाकी भी लोगों को इस दिशा में बड़े पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। अदिति जी मेरा आखिरी सवाल बाबा रामदेव आपसे, कितने नंबर देंगे आप आत्मनिर्भर भारत के इस बजट को? देखिए मैं तो इस बजट से पूरी तरह से संतुष्ट हूं। दो सुझाव मैं और देना चाहता हूं इसमें कि एडिबल ऑयल, ऑयल, गैस, पेट्रोल और तमाम तरह के मिनरल से लेकर के जो सामान अभी तक भारत में बन नहीं पा रहे, मैं मोबाइल से बड़ा दुखी हूं, ये जो मोबाइल में यूज़ करता हूं ना, ये थोड़ी देर में गर्म हो जाता है, कान भी गर्म हो जाते हैं, इससे दिमाग में भी जो है इसके जो रेडिएशन ज़्यादा तेज लगते हैं। तो ऐसे उत्पादों की भारत में और उपलब्धता हो भारतीय ब्रांडों में, और बीड़ी सिगरेट शराब पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको और बढ़ाया जाना चाहिए, और इसी तरह से जो मध्यम वर्ग छूट गया उसके लिए भी सरकार को आगे ज़रूर कुछ अनाउंस करने चाहिए। बाकी मैं 99% इस बजट से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, और सरकार की जो नीयत है, नीतियाँ हैं और जो नेतृत्व है उसकी हृदय से प्रशंसा करता हूँ अदिति जी, और आशा करता हूं कि जो परम वैभवशाली भारत का हमारा सपना है वो सपना साकार होगा। बिल्कुल हर भारतवासी की यही उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।